हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, आज हम कॉमिक्स की बात नहीं करने जा रहे, आज हम बात करने जा रहे हैं कॉमिक्स से जुड़ी हुई चीज़ों की। जैसा कि वीडियो में आप देख सकते हैं, ये टिन के डब्बे आपको दिख रहे हैं जो आए तो कॉमिक्स के साइज़ में थे, लेकिन जैसा मैं समझता हूँ मेरी तरह आप सभी लोग भी इन टिन के डब्बों का इस्तेमाल कर रहे होंगे अपनी नवल्टीज आइटम्स को सहेज कर रखने के लिए। और आप ही की तरह मैंने भी इन बॉक्सेस का इस्तेमाल शुरू कर दिया है अपने नवल्टी आइटम्स को सेफ करने के लिए। तो हर किसी में मैंने सेग्रीगेट करके कुछ चीज़ें रखी हैं। तो दोस्तों, आज खोल के देखते हैं नागराज नरकनाशक के बॉक्स में मेरे पास क्या है, मैंने इसमें क्या छुपा के रखा है। इसको ओपन करते हैं। ओके, तो ये मेरा बॉक्स है दोस्तों, जिसके अंदर मैंने रखे हैं अपने सारे मैग्नेट स्टिकर्स। अगर आपको वाला मैग्नेट स्टिकर याद हो, ये मैग्नेट स्टिकर से ही मैग्नेट स्टिकर्स के आने की शुरुआत हुई थी। ये पूरा एक सेट आया था जिसमें नागराज के 6 मैग्नेट स्टिकर्स थे। इसमें प्रताप मलिक जी की आर्ट थी और अभी हाल ही में ये वाले मैग्नेट स्टिकर्स के पोस्टर्स भी हमको मिले हैं। तो दोस्तों, क्या आपके पास ये हैं? अगर नहीं है तो आप इनको जल्दी से परचेज करिए, क्या पता दोबारा ये आपको वापस मिल पाए या ना मिल पाए। और अगर आपके पास हैं तो आपका इनमें से फेवरेट स्टिकर कौन सा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इससे पहले मैं आपको और मैग्नेट स्टिकर दिखाना शुरू करूं, दोस्तों इस वीडियो को सबसे पहले तो आप लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते, ये बहुत गलत बात है। मैं इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा रहा हूँ और आप उसको लाइक भी नहीं कर रहे हो। कम ऑन दोस्तों, लाइक करो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरे वीडियोज़ दोस्तों रोज़ के रोज़ आने वाले हैं। और अगर आप कॉमिक्स के फ़ैन हैं तो आप उनको मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि कॉमिक्स और उससे जुड़ी सारी जानकारियाँ इस चैनल पर आती नहीं। तो फटाफट लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, ध्रुव का ये मैग्नेट स्टिकर, कुछ फैंस को ये स्टिकर्स बहुत बाद में मिले थे, लेकिन मुझे ये स्टिकर स्टार्टिंग में ही मिल गए थे। तो इसके बाद बात करते हैं, ये आदि पर्व के कवर पेज का स्टिकर, ये तो रिसेंटली मुझे कल ही मिला है दोस्तों। आदि पर्व के साथ में स्टिकर आया, आदि पर्व का ये कवर पेज भी है। इसके अलावा ये प्लेइंग कार्ड, इसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं। कुछ पोस्टर्स भी हैं, इनको हम पोस्टर्स वाली वीडियो में ही इनका जिक्र करेंगे। इसके बाद आता है नागराज का ये स्टिकर, ये युगारम के साथ मुझे मिला था, क्लासिक नागराज MDF बोर्ड पर मैग्नेट स्टिकर, ये भी युगारम के एक उसमें आया था, क्लासिक नागराज अगेन, वंस अगेन, वन मोर क्लासिक नागराज। ये क्लासिक नागराज संजय गुप्ता जी ने हमें थोक के भाव में दिए हैं, पहले कभी एक नहीं हुआ करता था, अब तीन तीन क्लासिक नागराज एक साथ दोस्तों मेरे पास हैं। आया चुंबा और चुंबा सम्राट में ये मैग्नेट स्टिकर आया था राज कॉमिक्स भाई मनोज गुप्ता की तरफ से। इसकी क्वालिटी बिल्कुल डिफरेंट है अगर हम इन स्टिकर से बात करें, या फिर इनफैक्ट रिसेंटली मिले स्टिकर से अगर हम इसको कंपेयर करें तो इसकी क्वालिटी बिल्कुल डिफरेंट है, स्टाइल बिल्कुल अलग है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, अभी आई थी ये चमत्कारी भोकाल का कलेक्टर एडिशन, उसके साथ हमको मिला था ये चमत्कारी भोकाल का मैग्नेट स्टिकर। एक और मैग्नेट स्टिकर दोस्तों, ये जो पराक्रम वन आई है ध्रुव की, उसका पराक्रम का कवर पेज इस मैग्नेट स्टिकर पर दिया गया है राज कॉमिक्स भाई मनोज गुप्ता की तरफ से। ये दोस्तों युगारम का मैग्नेट स्टिकर, अगर मैं ये कहूँ कि अभी तक आए मैग्नेट स्टिकर्स में सबसे अच्छी क्वालिटी का स्टिकर ये वाली टाइप का स्टिकर है, तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। इसका वेट और इसके वेट में बहुत ज़्यादा फर्क है। ये लकड़ी के ऊपर मैग्नेट चिपका हुआ है और इसमें ये पूरा मैग्नेटिक स्ट्रिप पर बना हुआ स्टिकर है। इसकी क्वालिटी अलग ही लेवल पे है, इन सब में अभी तक सबसे अच्छी क्वालिटी दोस्तों इसी की है। इसके अलावा दोस्तों, महानायक का एक और ये मैग्नेट स्टिकर मेरे पास, इसके दो मैग्नेट स्टिकर्स थे जिसमें फ्रंट और बैक था, कॉमिक्स का इस तरीके से कॉमिक्स थी, तो ये दोनों भी बहुत शानदार स्टिकर्स हैं। ये हवलदार बहादुर के साथ मिला हुआ स्टिकर है दोस्तों मेरे को, जो मैंने कलेक्टर एडिशन लिया है, कलेक्टर एडिशन 2। ध्रुव के कुछ मैग्नेट स्टिकर्स हैं सिंगल सिंगल, अच्छा ये भी आ गया निकल के, राज कॉमिक्स भाई मनोज गुप्ता सुपर सपोर्टर टोकन, क्योंकि एक गलती हुई थी कनकपुर की राजकुमारी में, उसको सुधारा और उसको सुधारने के साथ साथ हमको ये एक सुपर सपोर्टर टोकन भी दोस्तों दिया गया। इसकी क्वालिटी भी बहुत शानदार है। इसके अलावा ध्रुव के ये पतले पतले मैग्नेट स्टिकर्स, इस साइज में इसकी आप देख सकते हैं विड्थ कितनी है, इस साइज में सभी मैग्नेट स्टिकर्स हैं। क्लासिक ध्रुव बिल्कुल शुरू में जो आता था ना, पतला दुबला सा लचीला सा ध्रुव एकदम, जिसको हम देख के बड़े खुश हुआ करते थे, ये वो वाला ध्रुव है दोस्तों। इसके भी हमारे पास काफ़ी सारे मैग्नेट स्टिकर्स हैं और ये अपने आप में बहुत ज़्यादा कमाल और बहुत ज़्यादा खास हैं। और अभी अभी रिसेंटली ये जो टिन बॉक्स आया है, इस टिन बॉक्स के साथ आया था दोस्तों ये वाला मैग्नेट स्टिकर। इस मैग्नेट स्टिकर की क्वालिटी भी दोस्तों बिल्कुल इसी मैग्नेट स्टिकर के टक्कर की है, लेकिन अभी भी ये वाला मैग्नेट स्टिकर इससे बेटर है वेट वाइज भी और थिकनेस वाइज भी और थोड़ा सा क्वालिटी वाइज भी, लेकिन इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अच्छे ये वाले स्टिकर्स हैं। उनके बाद आती है इनकी बारी, एंड देन बाकी तो सारे हैं। देखो, बुरा हम तो किसी को बोल नहीं सकते, नागराज ध्रुव राज कॉमिक्स से करेक्टर्स जितने ज़्यादा मिल जाएं, जितने फॉर्म्स मिल जाएं, हमें बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और दोस्तों, अभी तक का मेरा सो फार सो गुड कलेक्शन है ये मैग्नेट स्टिकर्स का छोटा सा। आप लोगों के पास कितने मैग्नेट स्टिकर्स हैं, कौन कौन से नहीं हैं, और कौन से नए मैग्नेट स्टिकर्स आप, अरे गिर गया गिर गया, और कौन से मैग्नेट स्टिकर्स आप चाहते हैं दोस्तों कि ये वाला चीज़ भी मैग्नेट स्टिकर में आनी चाहिए ताकि हम उसको अपने फ्रिज पर लगा पाएं, दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, चैनल को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए सब कुछ सिंह के साथ, क्योंकि हम लेकर आने वाले हैं बहुत सारी चीज़ें कॉमिक्स के बारे में सबसे पहले सबसे तेज। नमस्कार दोस्तों।